next problem is if a body gives out 10 raised to power 9 electron every second, how much time is required to get total charge of 1 coulomb? कि अगर हमारे पास एक बॉडी है उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं हर सेकंड में 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन. एक बॉडी है उसमें से एक सेकंड में पर सेकंड या एवरी सेकंड मींस एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं 10 raised to power 9. तो टोटल जो चार्ज है वो कितना रिमूव करना है हमने इसमें से 1 कूलम. तो 1 कूलम चार्ज रिमूव करने के लिए टोटल कितना टाइम हमें चाहिए. तो फर्स्टली वी विल फाइंड द चार्ज रिमूविंग पर सेकंड कि एक सेकंड में कितना चार्ज इसमें से रिमूव हो रहा है. तो चार्ज फ्रॉम पर सेकंड हमें पहले फाइंड करना है क्यू इज इक्वल टू एन ई. द वैल्यू ऑफ एन इज 10 रेज्ड टू पावर 9. चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19. सो द वैल्यू कम आउट टू बी 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10. दिस इज द चार्ज रिमूविंग पर सेकेंड. सो वी हैव टू फाइंड द टाइम. तो जो टाइम है वो कितना आएगा क्यू टोटल चार्ज ओवर चार्ज रिमूविंग पर सेकेंड. तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना है 1 कूलम और इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10. सो अप्रोक्सीमेटली द टाइम कम आउट टू बी 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 9 सेकेंड. यू कैन कन्वर्ट इट इंटू ईयर्स ऑल्सो. सो दिस इज आवर टाइम. This is our last problem. Now we are going to discuss Coulomb's law. This is the basic law of electrostatic. Whole chapter is based on this law only. So we have discussed that we will study the force between the two charges. So Coulomb's law basically gives us the value of force between the two charges. Now we are going to discuss about Coulomb's law. So if we have a charge Q1 and second charge is Q2 and distance between them is R. तो अगर हमारे पास ये दोनों charges positive हैं, then they will repel each other. अगर दोनों charges negative हैं, तो भी वो एक दूसरे को क्या करेंगे? Repel करेंगे. और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है चार्ज, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो चाहे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें चाहे एक दूसरे को रिपेल करें, एक दूसरे पे क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे. सो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एट रेस्ट इज कूलम्स फोर्स. कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है दैट इज आवर कूलम्स फोर्स. सो कूलम्स लॉ क्या कहते हैं कि अगर ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, तो जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है इनके बीच में, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मींस इट कैन बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट कैन बी फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो दोनों के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्केयर ऑफ द डिस्टेंस के. ये है हमारा कूलम्स लॉ. तो दिस विल बिकम एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्केयर. तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. दिस इज बेसिक कूलम्स लॉ. और जो कूलम्स लॉ है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर चार्जेस एट रेस्ट. और ये जो कूलम्स लॉ है अगर डिस्टेंस 10 रेस टू पावर माइनस 13 मीटर है तब तक ही कूलम्स लॉ वैलिड है, उसके बाद कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है. तो ये हमारा कूलम्स लॉ का बेसिक फोर्स है. तो दिस फोर्स इज Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब रिमूव करेंगे तो देयर विल बी अ कॉन्स्टेंट और दैट कॉन्स्टेंट विल बी के। सो के हियर इज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, के इज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो जो वैल्यू ऑफ के है वो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। ये वैल्यू ऑफ के जो है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था के की वैल्यू 1 होती है फॉर एयर, के की वैल्यू 1.8 होती है फॉर वाटर और के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है फॉर मेटल्स। तो जो वैल्यू ऑफ के है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। इसकी डेफिनेशन हम बाद में करेंगे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की। तो जो के की वैल्यू है वो होती है 1/4 pi epsilon naught। वैल्यू ऑफ के जो होती है दैट इज 1/4 pi epsilon naught। हेयर दिस इज कॉल्ड एप्साइलन नोट। एप्साइलन नोट मीन्स इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज द मीनिंग ऑफ एप्साइलन नोट, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका बेसिक मीनिंग आपको बाद में समझ आएगा। बेसिक मीनिंग इसका ये है कि अगर ये कोई बॉडी है, ये स्पेस में पड़ी है या वैक्यूम में पड़ी है, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास करके जाएंगी, दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो 1/4 pi epsilon naught है इसकी वैल्यू होती है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जो हमारा फॉर्मूला है दैट बिकम्स कूलम लॉ का, जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या आया हमारे पास, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। के इज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब जितनी ज्यादा के की वैल्यू होती है फोर्स दो चार्जेस के बीच में उतनी ज्यादा कम हो जाती है। और के की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। ये हमारे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। एफ इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। दिस इज आवर कूलम्स लॉ। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ epsilon naught। अब हम पहले एप्साइलन नोट की वैल्यू और डायमेंशन फाइंड करेंगे। सो एप्साइलन नोट हेयर इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जो एप्साइलन नोट है उसकी जो पहले हम यूनिट्स फाइंड कर लेते हैं। ये देखो एप्साइलन नोट को इधर ले जो, द वैल्यू ऑफ एप्साइलन नोट विल बी 1/4 pi f q1 q2 by r square। वी आर फाइंडिंग द यूनिट्स ऑफ एप्साइलन नोट। तो यूनिट्स इसके क्या आ जाएंगे, फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं न्यूटन, और चार्ज के जो यूनिट्स हैं दैट आर कूलम, और डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं मीटर। सो इट इज स्क्वायर, इट विल कम आउट टू बी मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो इट इज विल बी इक्वल टू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर यूनिट्स ऑफ एप्साइलन नोट।